पंचकुला के सरकारी अस्पताल में महिला सुरक्षा को लेकर उठे सवाल, भगवान रूपी डॉक्टर का हैवानियत भरा चेहरा आया सामने। पंचकुला के सेक्टर 6 के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर कार्यरत एक नर्स के साथ अस्पताल के ही डॉक्टर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल इस मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन की गठित कमेटी ने आरोपी डॉक्टर और पीड़ित पक्ष को जांच के लिए बुलवाया था। इस दौरान अस्पताल की सभी नर्स इकट्ठा हो गईं और उनका गुस्सा आरोपी डॉक्टर पर फूट पड़ा और आरोपी डॉक्टर की इन लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद मामला बिगड़ता देख पुलिस और जांच अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हाँ, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन आई थी भी इस तरह नर्स इकट्ठी होकर नारेबाजी कर रही हैं, तो जिस पर यहाँ आए थे तो दोनों पक्षों को समझा दिया, ये कह रहे हैं भी हमारी इंक्वायरी चल रही है। उसके बाद 4 बजे इनको ACP ऑफिस में इंक्वायरी के लिए। क्या मामला क्या था सर इसमें? एक नर्स ने एक डॉक्टर के ऊपर छेड़खानी के एलिगेशन लगाए। FIR दर्ज है? हाँ जी। गिरफ्तारी पहले वेरिफिकेशन के बाद गिरफ्तारी हुई है क्राइम अगेंस्ट वुमन में। इस सारे मामले में पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल की CMO डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि अस्पताल की जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। एक डॉक्टर ने नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी, आपके पास भी शिकायत की गई थी, तो क्या अभी तक इसमें एक्शन लिया गया? इसमें दो चीज़ें इमीडिएटली हुई हैं। एक तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो होती है हैरेसमेंट के लिए अंडर द एक्ट, वो कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, और दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शन होता है उसके तरफ से भी DG हेल्थ ने ऑलरेडी उनका जो है एक्शन ले लिया है, तो उसको इस अस्पताल से बाहर भेजा जा रहा है। छेड़खानी के इस मामले में कोरोना योद्धाओं नर्सों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि जांच में डॉक्टर दोषी पाया जाता है या नहीं।